हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप लोग स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं कि ये क्लास नाइन्थ का है एंड सब्जेक्ट जो है वो हमारा कौन सा रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये फुल्ली हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट रहेगा इस चैप्टर का और हम लोग पार्ट टू इसके बाद हम लोग आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। एज यू नो दैट कि चैनल का नाम जैन राइजिंग स्टार्स है और मेरा नाम नासिर हुसैन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का है और फाउंडर एंड ऑनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली। याद रखिएगा ये दिल्ली में है, राइट? ओके गाइस, हम लोग देखो ऐसा करना है कि आप लोगों ने बिल्कुल एक बेहतर ढंग से आपको समझना है। इस बात को याद रखिएगा कि जो उसको भी आगे चल करके गवर्नमेंट एग्जाम्स देना है, अभी आप क्लास नाइन्थ में हैं, इस बात मत सोचिए कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ कर कर एग्जाम पास नहीं करना है। आगे आपका इसका बहुत ज्यादा ही यूजफुल काम आने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज इसको स्किप मत करना, उसको आप समझना, क्योंकि आज का जनरेशन का जो यही एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो सिर्फ अपना एक बोझ, एक बर्डन समझ के पढ़ रहा होता है। यार हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सिर्फ हमें नाइन्थ पास करनी है, ये बिल्कुल इतना ये सही नहीं है। जब आप गवर्नमेंट की सबसे बड़े एग्जाम्स दो, IAS का दो, IPS का दो, किसी पुलिस में जाने का सपना रहता है, किसी सिविल सर्विसेज में जाना होता है, किसी DM बनना होता है, किसी को SDM, किसी को SP, जो बड़े बड़े में पोस्ट जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये हिस्ट्री चैप्टर उसमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप एक टाइम दोगे, आने के बाद जब आप ग्रेजुएशन जब पास करोगे तो आपको जब एग्जाम्स देने होंगे तो वहां पर भी आपको ये सब पढ़ने होंगे जो अभी मैं आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपको एक कंप्लीट तरीके से आपको नोट्स बनाने, प्रॉपर एक नोट्स बनाना है, क्योंकि मेरे नोट्स बनने बड़े कमाल का होते हैं जो अभी भी आपका काम आएगा। आने वाला आपका लगभग 6-7 साल के बाद जब आप गवर्नमेंट की जब तैयारी करोगे जॉब्स के, तो वहां पर भी बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल होने वाला है। वहां पर भी आप पैसे देकर के वहां पे पढ़ोगे। अभी मैं आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोग जो कोचिंग वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो को मैंने तैयार किया है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर हमारे कोचिंग सेंटर में आओगे तो आपको वहां पे पैसे लगेंगे, या मैंने फ्री ऑफ कोस्ट में आपको बता रहा हूं। सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोग का अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। देखते हैं शुरुआत में क्या है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है ओके, ये क्या हमारा कंटेंट है, क्या ये कंटेंट है, कंटेंट में करता क्या है। देखिए, जैसे कि आपको कोई भी अननोन जगह पर जाना हो, एक ऐसी जगह जहां के बारे में आपने सोचा नहीं हो, तो अगर आपको वहां पर जाना है और चीजों को अच्छे ढंग से समझना है, तो आपको वहां के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी और वन बाय वन को आपको समझना है, तभी उस जगह के बारे में एक बेहतर जानकारी आपको मिल पाएगी। उसी हिसाब से इस चैप्टर आपके लिए बिल्कुल अननोन है, आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको बेहतर ढंग से इसको क्या होगा, कंटेंट को समझना पड़ेगा। कंटेंट में क्या है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके रिवीजन के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब से लेकर आपने पढ़ा होगा, ज्यादातर अभी मैं भी कहता हूं लगभग 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बिना कंटेंट को समझे वो पढ़ लेते हैं। बिना कंटेंट का जब वो पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन करने में भी दिक्कत होती है। उसको यूं लगता है कि भाई, जैसे कि मैं मान लेता हूं, हमने 1 नंबर से मैंने शुरू किया, हम 8 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे, हमने 8 तक पहुंचा है। जब हम लोग 1 से लेकर के 4 तक जब पढ़ेंगे तो हम इस बात का पता चलेगा, भैया हमने इसमें 4 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और रिमेनिंग कितने टॉपिक्स बचे हैं, 8 टॉपिक्स और बचे हैं हमें समझने के लिए। जब आप कंटेंट को नहीं बताओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आगे हम पढ़ कितना और हम आगे पढ़ना कितना बाकी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, आपका SST में नहीं, आपके जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें बहुत ही ज्यादा ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइज, अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा कि इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन होगा क्या कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो इसमें जो है मोस्टली क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है। इसको प्लीज आप एक प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट्स बना लो, नोटबुक में जरूर इसको आप लोग नोट कर लो। दूसरा पढ़ेंगे इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 17
74 से लेकर के एक टाइम ये रहता है, और 1789 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या होगा कि यही डेट को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ था। कोई भी रिवॉल्यूशन ऐसे ही नहीं हो जाता है, जब आपस में कई सारे परिवार के लोग या फिर गांव वाले या एक परिवार के लोग जब एक साथ रहते हैं, जब परिवार बड़े हो जाते हैं तो उस परिवार में क्या होता है, थोड़ा ऊंच नीच सबके साथ हो जाता है, फिर लोग क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली टूट जाती है। क्यों? उसके भी फैमिली आपस में कुछ ना कुछ क्या वजह रहता है। इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस था बिल्कुल एक परिवार की तरह था, वो भी क्या हो गया, टूट गया। क्यों टूटा? उसके तीन रीजन है। पहले थे causes of French Revolution, पहला social causes, second में रहेगा हम लोग देखेंगे इसमें economic causes, a political causes। ये मैं आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक content है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा important है, आपको एक content है, what is मतलब कि आपका social causes क्या थे, हम उसको आगे discuss करेंगे। Next में B में हम लोग पढ़ेंगे the struggle to survive, लोगों ने कैसे जब ये सब जब ये हालात लोगों सामने आए तो लोगों ने अपना सर्वाइव करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स के उसको समझेंगे। फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास कैसे लोग ग्रो हुए, और जो प्रिविलेज सिस्टम था है ना, जैसे खानदानी जिसे ना मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हुए आ रहा था उसको कैसे खत्म कर दिया गया। फिर इसमें हम लोग इसमें ग्रोइंग मिडिल क्लास में जो फिलोसोफर्स मतलब जितने भी विद्वान थे पढ़े लिखे लोग थे उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही रिवॉल्यूशन में, उसमें आउटब्रेक्स, वो रिवॉल्यूशन कैसे आउटब्रेक हुआ, बिना कि मतलब किस वजह से बहुत बड़ा एक पैमाने पर व्यापक हो गया, बिल्कुल एकदम भगदड़ मच गया, बिल्कुल एकदम रिवॉल्यूशन मतलब बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्या रीजन था उसको भी समझेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे होगा फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, कैसे ये जो वहाँ जो फ्रांस का जो राजा था वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो संवैधानिक तरह से वहाँ के राजा लोग काम करने लगे, फिर बाद में रिपब्लिक भी हो जाता है, मतलब आजाद हो जाता है फ्रांस एक मतलब उस वक्त क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका बिल्कुल एक कंट्री, उससे पहले एक एम्पायर का रूल हुआ करता था, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना वो एम्पायर ही रहेगा उस वक्त। फ्रांस एवोल्यूशन, ये फ्रांस है ना, ये की जगह ई आएगा है ना, फ्रांस एवोल्यूशन क्या होता है, फ्रांस लोगों ने क्या, जो फ्रांसीसी लोग थे वहां पे क्या हो गया, मोनार्की को खत्म कर दिया, राजा रानी के कहानी खत्म, अब यहाँ पे पॉलिटिकल जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स हैं, जो जनरल्स होते थे उन लोग अब यहाँ पे बनेगा, एंड वो रिपब्लिक का मतलब समझ लो कि बिल्कुल ये आजाद हो जाएंगे, इसमें राजा रानियों का जो कंट्रीब्यूशन था इन्वॉल्वमेंट थे वो सब खत्म हो जाएंगे। सेकेंड में इसमें देखेंगे एवोल्यूशन, पहला होता है टेररिज्म, ऐसे थोड़े ना कि किसी राजा को अगर गद्दी से अगर हटा दिया जाएगा तो बिल्कुल चुपचाप रहेगा, वो फिर क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गद्दी में बैठाने के लिए वो क्या अलग अलग तरह की कोशिशें करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को जो एकता है यूनिटी उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। सेकेंड में होगा डायरेक्टरी रूल्स, फ्रांस में कैसे डायरेक्टरी जो होते हैं डिक्टेटरशिप किस हिसाब से फ्रांस में आता है, फिर देखते हैं। पांचवा में वीमन रिवॉल्यूशन, एक बड़ा कमाल का था, टेंथ में इसको बहुत अच्छे से किया गया है, लेकिन इस इनिशियल है आप पढ़ोगे यहाँ पर तभी भी सेम चीज आपको कहाँ पे होगा, टेंथ में भी पढ़ना पड़ेगा। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी मतलब गुलामी जो पन जो चल रहा था, गुलाम चल रहा था, गुलामों जो नौकरों को जो गुलामों को बेचा जा रहा था खरीदा जा रहा था उसको एबोल्यूश कैसे हुआ। उसके बाद रिवोल्यूशन एवरी डे कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन चल रहा था उसको समझेंगे। आठवां पर है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपोलियन कैसे रूल किया, वो कैसे आया एट्थ में वो समझेंगे। एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लीगेसी है LE होगा है ना, लीगेसी कैसे बना उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक शुरू कर देते हैं एक नंबर से, पहला है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम लोग गाइस जैसे देखेंगे कि व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता क्या है ना, वो क्या होता। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से पता चला कि एक ऐसा विद्रोह था, एक ऐसी मतलब एक लड़ाई थी पूरे फ्रांस में जो कि एक वक्त शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो शुरुआत हुआ था कब, 14th जुलाई 1789। ये एमसीक्यूज में भी आपको एक बेहतर ढंग से आपको पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 14th जुलाई 1749 में, जब सुबह सुबह एक टाइम था लोगों ने एक अफवाह फैला दिया कि जो राजा है लुईस 16, हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें क्या हो गया अपने कुछ गुलाम मतलब अपने कुछ सैनिकों को फ्रांस में भेजा गया है कि कुछ लोगों को मारने के लिए, उसमें कई सारे उसमें मतलब एक अफवाहें थी उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक ऐसी घटनाएं थी सीरीज ऑफ द इवेंट्स है ना, इवेंट्स का मतलब होता है कोई एक्सीडेंटली या फिर इंसिडेंटली जब कुछ होता है, तो जब ये इवेंट्स जब हुए
तो इसमें मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, इसमें अपर क्लास के लोगों को खिलाफ क्या हो गया, अपने एक लड़ाई छिड़ी। जब उन मिडिल क्लास लोगों को वो सारी चीजें सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो इन लोगों को अपर क्लास लोगों को मिल पा रही थी, इसलिए शुरू हुआ। और लोगों ने क्या किया, रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूर रिजिम ऑफ द मोनार्की, मतलब जो क्या थे, एक बेरहमी राजा थे लुईस 16, उसके खिलाफ में लोगों ने क्या कर दिया, एक रिवोल्ट अगेंस्ट, मतलब उसके खिलाफ लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल एक जंग छेड़ दी। उसके बाद है रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जो रिवॉल्यूशनरी जो मिडिल क्लास के जो लोग थे फ्रांस के जो कि रिवॉल्यूशन करने वाले थे, उसने आइडिया ऑफ लिबर्टी का मतलब कि नहीं भैया हम शांति की तरफ बढ़ेंगे, फ्रैटरनिटी भाईचारा की तरफ हम लोग, फ्रांस के लोग एक तरफा रहेगा, सब बराबर रहेगा, भाईचारा तब होगा जब अमीर अमीर गरीब को गरीब नहीं समझेगा, जब अमीर गरीब को गरीब नहीं समझेगा, और गरीब जो है अमीर को तो अपना भाई की तरह तो मानता ही है, और अमीर और गरीब बिल्कुल सब जब भाईचारा की तरह रहेगा तभी फ्रैटरनिटी आता है, ये वर्ड यूज करता है। इक्वालिटी, भैया सबके लिए बराबर होगा, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, सारे सिटीजन्स होंगे फ्रांस के वो सबके सब बराबर होंगे। एंड रिवॉल्यूशन बिगन विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन, एक बेस्टाइल जो है, एक क्या था, एक जेल था, किला था, उस बेस्टाइल के अंदर में एक जेल था, फोर्ट्रेस है उस किला के अंदर में एक जेल था, बेस्टाइल एक किला का नाम था, उसमें एक जेल था, उसमें क्या हो गया, लोगों ने बहुत नफरत थी उस जेल के प्रति, क्योंकि जो राजा था कई बेगुनाह लोगों को, वहां के जो क्रांतिकारी लोग थे उसको कई लोगों ने उसको वहां पर रखा गया था, इसीलिए क्या लोगों ने क्या किया, उसको तोड़ दिया, है ना, आप समझ में। अब हम लोग आते हैं फ्रेंच रिवॉल्ट, जो आपके जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18वां शताब्दी के बाद के टाइम में फ्रांस में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, और ये फिर क्यों वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ, उसको समझते हैं। जैसे लुईस 16 उस वक्त का राजा था, कहां का, फ्रांस का राजा बना कब, वो बना 1774 में, वो क्या क्या थ्रोन ऑफ फ्रांस का क्या राजगद्दी को वो संभाला, क्या 1774 तक जब ये राजा बना था, उस वक्त फाइनेंशियल जो फ्रांसिस था वो ड्रेन बिकॉज ऑफ वॉर के, जब ये राजा बना था तो क्या वॉर के चलते जो फ्रांस की जो खजाना था वो बिल्कुल ड्रेन हो गया था, खाली हो चुका था खजाना, और फ्रांस में ही जब ये तो तंगी हालत में फ्रांस तो गुजर ही रहा था, लेकिन ये कहता ये सनकी राजा था, है ना, क्योंकि मतलब अपने आप को ऐशो आराम बहुत ज्यादा मतलब ये उसको ऐशो आराम ज्यादा पसंद था, तो उसी टाइम में क्या किया ये हीरो बनने की कोशिश किया, कौन, लुईस 16, और वो क्या किया, लुईस 16 ने ही जब वो राज कर रहा था तो अपने अंडर में क्या किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज, याद रखना कितने, 13 है ना, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उसने आजाद कर दिया, किससे कराया, ये ब्रिटेन, जो अब लिखा हो ना, अब ब्रिटेन है मतलब अंग्रेजों, क्योंकि फ्रांस का दुश्मन कौन था, अंग्रेज था, भारत में भी अंग्रेज के ही हुकूमत चल रहा था उस वक्त, तो आधी जमीन में आधी पृथ्वी में ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा था, उसने क्या किया, लुईस 16 ने अमेरिकन को आजाद दिला दिया, किसका, ब्रिटेन से, और साथ में जैसे ही यह हो गया और क्या हो गया, इसमें कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, किसको, फ्रांस मतलब फ्रांस के लोगों के ऊपर, या फिर फ्रांस के जो है ना बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए थे, लगभग 2 अरब लीवर, 2 अरब है ना, 2 अरब जो लीवर था, लीवरे बोलते थे है ना, वो लीवरे क्या था, वहां का करेंसी थी, वो इतने मतलब कर्ज में आ चुके थे, और साथ में क्या होता, टैक्सेस वर इंक्रीज, जैसे ही यहां पर कर्जा जब आ गया फ्रांस में, तो वो लुईस 16 ने क्या किया कि यार ये काम करो, यहाँ पे पैसे नहीं आ पा रहे हैं, और लुईस 16 ने क्या किया, कुछ लोगों से कर्जा लिया था, कर्जा इतना ज्यादा ले लिया था कि 2 अरब है ना, 2 अरब जिसे कि रुपया होगा ना, वहां पे लीवर चल रहा था, 2 अरब उसके पास कर्जा था, और साथ में उसने क्या किया कि जिन लोगों से कर्जा लिया तो उतने 10% उसमें क्या मांग रहे थे, ब्याज मांग रहे थे, तो इनसे डर से उसने क्या किया, उसके पास तो पैसे थे नहीं, लुईस 16 ने क्या किया कि चलो भैया हम पैसे कैसे लेंगे लोगों से, हम तो कोई तो देगा नहीं चंदा के रूप में, चलो भैया हम क्या करेंगे, टैक्स उसमें इंपोज कर दो, टैक्स लगा दो, टैक्स क्या क्या बढ़ा दिया गया, और रेगुलर एक्सपेंसेस जो कि जो खर्च थी उसमें भी उसने टैक्सेस लगा दिए, और उसमें कॉस्ट ऑफ मैन, और साथ में क्या हो गया कि जो आर्मी को जो मेंटेन करने के लिए फ्रांस को पैसे की जरूरत थी, कोर्ट को, कोर्ट जो जहां पर जो अदालतें चल रही थी, जहां पर सही और गलत का फैसला हो रहा था, उसको भी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को, इन सब को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो तो थे नहीं, वो क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, ये टैक्स बढ़ाना ही सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होगी लुईस 16 के लिए। और कंट्री ऑफ जो फ्रांस को था उस वक्त, जब 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइड किया गया हुआ था 18th सेंचुरी में, तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कौन सी सेंचुरी में जो फ्रांस है 3 स्टेट में डिवाइड था 18th सेंचुरी में,
वो कौन कौन से आगे देखेंगे। और फ्यूडल सिस्टम जो था वो क्या किया, एट ए बैक टू द मिडिल एजेस, ओके, बहुत पुराने टाइम से ही लगभग क्या हो गया, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि कुछ लोगों को रियायतें बहुत ज्यादा मिल रही थी। मैं मान लेता हूँ कि फ्रांस का कोर्ट में एक आदमी जज था, तो उसका बेटा पढ़ लिख करके वहां का जज बनेगा, अगर वकील है तो उसका बच्चा ही जाकर के वही वकील बनेगा, जो ऑफिसर्स में थे बड़े बड़े पोस्ट में उन्हीं का बच्चा मिलेगा, और कोई भी मिडिल क्लास से उसमें जा नहीं सकता, ये फ्यूडल सिस्टम होता है। आगे देख लेते हैं, चलो जी, रेवोल्यूशन होने के कारण क्या होगा। आखिर बिना कारण का कभी विद्रोह नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान दोनों तरफ से होता है, जो भी विद्रोह करने वाले, जब दो लोग आपस में जब भी ऐसे ही नहीं लड़ते हैं, जब भी वो लड़ते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा ही होता है। तो यहाँ आखिर जो कारण क्या थे, बहुत कारण, बड़े कारण थे, तभी यहाँ पे क्या हो गया, विद्रोह हो पाए, जिसे हम बोलते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तीन सबसे बड़ी कारण थे, कितने कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तीन कारण थे। आपसे पूछे जा सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉज कितने थे, तो तीन थे। पहला, सोशल कॉजेज, मतलब समाज में, कहां पर, समाज में ये कारण थे समाज के। दूसरा, इकोनॉमिक कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तीसरे थे पॉलिटिकल, राजनीतिक, तो पुराने जमाने से ही, सदियों से ही क्या आ जा रहे हैं, राजनीतिक आ जा रहा है, ये राजनीतिक भी एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। चलिए हम लोग ए वन बाय वन देख लेते हैं, समाज आखिर क्यों जिम्मेदार था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के लिए, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कई बार सवाल पूछा गया है कि क्यों, मतलब फ्रेंच को जो समाज थे वो किस समाज, मतलब सोसाइटीज किस लिए रिस्पॉन्सिबल थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। सो देख लेते हैं, यहाँ की जो समाज थी, सोसाइटी थी, वो कितनी, थ्री स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, है ना। यही सबसे पहले दिमाग, यही तो सबसे पहले ये होता है कि भैया एक परिवार है, एक घर में किसी को अगर उसके 10 बच्चे हैं तो 10 को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो नहीं भैया बोला कि 2 को, 3 को, 4 को अच्छे राइट्स दे दिए, सबको कहा कि नहीं भैया तुम लोग टाइम पास हो, तुम लोग इसके अंडर में काम करो, जैसे ये बड़े लोग कहते हैं छोटे लोग वैसे ही काम करो, ऐसे नहीं होता। जब घर में 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, 10ों की खुशी बराबरी होनी चाहिए, है ना। तो तीन, मतलब सबसे पहले वो स्टेट में बटा हुआ था तीन। पहला था जिसे हम बोलते हैं इस फर्स्ट स्टेट में, ये क्लर्जी लोग आते थे। क्लर्जी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व चर्च मैटर, मतलब चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग थे उसको क्लर्जी ग्रुप में बोला जाता, फर्स्ट स्टेट में आते थे, क्योंकि इस टाइम में जो धर्मों का जो प्रचार प्रसार था, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिलीजियस, खासकर क्रिश्चियन लोग थे, ये बहुत ही ज्यादा अपने सबसे टॉप लेवल पे माने जाते थे। जिसे धर्म गुरु होते हैं ना, वो हमेशा ही टॉप में ही रहते हैं, है कि नहीं, तो वो थे चर्च से रिलेटेड सारे लोग। सेकेंड स्टेट में जो था वो था नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या होता, वो लोग जो कि स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब फ्रांस में जो बड़े बड़े पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री को देखने वाला हो, कोर्ट के देखने वाला हो, महलों का ख्याल रखने वाला होगा, अच्छे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, वो बड़े हाई रैंक लोग किस में आते थे, सेकेंड स्टेट में आते थे। और उसके सिवा जितने भी लोग, तो कोई जगह होगी जाहिर से काम करने वाले होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे, किसान होंगे, है कि नहीं, लैंडलेस पीपल, मतलब बिना जमीन वाले लोग होंगे, भिखारी होंगे, तो इस सारे लोग क्या किए, तो क्या किया यहाँ थर्ड स्टेट में इसको इन, मतलब मेंशन कर दिया। थर्ड स्टेट में कौन, वो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स वो भी बिजनेसमैन थे, कोर्ट ऑफिशियल्स का मतलब छोटे छोटे कोर्ट में काम करने वाले तो थे, वकील टाइप के जो लोग है वो इसमें भी रहते थे, और जो बड़े बड़े जज होते थे वो वहां पे रहते थे, किसमें, सेकंड में, नोबिलिटी में आते थे। लॉयर्स, किसान लोग हो गए, आर्टिशियंस जो आर्टिस्ट लोग थे, लैंडलेस लेबर का मतलब गरीब लोग, सर्वेंट्स नौकर लोग क्या होते थे, सब थर्ड स्टेट में आते थे। चलिए समाज की एक तो हमने देख लिया कि कितने में था, पहला इसमें क्या होता था, पहला फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई भी तरह का टैक्सेस नहीं देने होते थे। टैक्स किसको नहीं देना होता था, पहला और टू का, पहले तो थर्ड स्टेट में पहले लोग गरीब थे, किसान पहले से इनके हालत खस्ता थे, उन लोगों पे क्या किया, टैक्सेस को लगाना शुरू कर दिया। मतलब पहला दो थे ना, क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट को, एक ना इंसाफी। दूसरा इसलिए होगा, जाहिर सी बात होगा भैया जी, घर का अगर 5 लोग अगर कमाने वाले हैं तो भैया 5 लोगों को घर का खर्चा चलाना पड़ेगा ना, सिर्फ 2 ही लोग तो नहीं चलाएंगे, है कि नहीं, तो ऐसी बात है, तो इसीलिए इनको देना पड़ेगा, बाकी वो दोनों को नहीं देना पड़ता था। और ये दोनों का क्या होता था कि प्रिविलेज सिस्टम, इन लोगों को ना मतलब जन्मात से, जो उसको जन्म से ही कई सारे अधिकार थे, राइट्स थे, बड़े बड़े मतलब पोस्ट में इन्हीं लोग रहेंगे, कोई गरीब लोग नहीं जाएंगे, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उसने प्रूफ कर दिया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अब इन लोगों ने कहना शुरू किया, कौन कहना शुरू किया, थर्ड स्टेट लोग, यही जब बात कही
कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा, तभी इसके वजह से क्या रेवोल्यूशन छिड़ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या नोबिलिटी जो क्लास के लिए थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को मतलब एंजॉय करते थे, भैया या बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े पोस्ट में होंगे, कमांडर होगा, जनरल होगा, उसका बच्चा है, उसका फैमिली से बनेगा, कोई गरीब लोग नहीं आ सकता। इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग जो थे वही किसको टैक्स को देना पड़ता था, स्टेट्स को। और साथ में टैक्स जो था ना दो तरह का था, एक डायरेक्ट टैक्स जिसे हम टाइल बोलते हैं, और ये एक होता था इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे कि हम लोग इसमें चीज़ों पे देना पड़ता था, जैसे कि हम डेली की चीज़ें लेते हैं, जैसे कि नमक लोग खरीदते थे, तंबाकू लोग जो खरीदते थे, और जरूरतियात जो सामान होते थे उसमें भी टैक्स देना पड़ता था, दो तरह का टैक्स। और ये टैक्स थोड़ा एक टाइथ बोलते, टाइथ किसको, एक ऐसा टैक्स था जो कि चर्च लोग लेते थे, किसे लेते थे, किसान से लेते थे। वो कितना लेते थे, मैं मान लेता हूं कि एक किसान का 10 केजी क्या हो गया चावल उगा, तो उसमें से 1 केजी कौन ले लेगा, उसमें से 1 केजी ले लेगा कौन, चर्च वाला ले लेगा। इसी के लिए बोलते थे 1/10 कौन लेता था, मतलब 10 केजी में से 1 केजी चावल कौन ले लेता था आपका, चर्च लोग ले लिया जाता था। वो जबरदस्त इन लोग मतलब कि अब मतलब एक प्रथाएं चली आ रही थी। दूसरा क्लर्जी एंड नोबिलिटी वॉर ऐसा था कि देखिए जो क्लर्जी होते थे और नोबिलिटी, मतलब पहला दो ग्रुप जो सबसे अमीर लोग थे फ्रांस के, उसके 10% में थे। मतलब अगर 100 लोग अगर पूरे फ्रांस में थे तो 10 लोग ही कौन थे, ये दोनों अमीर में थे, और बाकी 90% लोग कहाँ थे, थर्ड स्टेट में थे, गरीब लोग थे। और इसमें जो जमीन थी तो उल्टा ही जो लोग अब फर्स्ट टू जो था क्लर्जी और नोबिलिटी के पास जितनी जमीन थी वो 60%, मतलब मैं मान लेता हूँ किसी के पास है ना 100 एकड़ जमीन थे, कितने एकड़, 100 एकड़ में से 60 एकड़ इनके पास थे, 40 एकड़ जो है वो थर्ड स्टेट के लोगों के पास थे। देखिए यहीं पर तो सबसे बड़ा इंसाफ हो गया, जो ज्यादा पॉपुलेशन में थे उसके पास जमीन कम थी, जो पॉपुलेशन में कम थे उसके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, यह एक भी क्या थी, समस्याएं थी। उसके बाद थर्ड स्टेट के पास 90% पॉपुलेशन था लेकिन 40% उसके पास जमीन थी, ये कारण था। अब आगे देख लेते हैं, एक हमने तो समाज का तो कारण बता दिया, ये क्यों हो गया भैया, जमीन का मसला आ गया, टैक्स का मसला आ गया, ये तो समाज का था, ये तो समाज का ही रूल था। अब आ जाते हैं सेकंड में, वो था इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब हो जाता है ऐसी चीजें जो लोगों की आम जिंदगी में जो पैसे इनकम और खर्च जो होते हैं, इन सब चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे बड़ा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि इंसान जब कोई चीज को जब कमाता है, जब उसका इनकम कम हो जाए और आउटकम जब उसके खर्चे ज्यादा हो जाए, तो इसी को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब जी देख लेते हैं पहला कारण इकोनॉमिक का क्या था, याद रखना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एज इट इज आपको लिखना। पहला कारण कि जो लोग थे फ्रांस में, मतलब कि 20 बिलियन का मतलब हो जाता है लगभग 2,30,000, इतना करोड़ लोग कब थे, करोड़ होगा है ना, कब थे 1715 में। जैसे ही वक्त आ जाता है 100 something years के बाद, वहां पहले 28 मिलियन हो जाता है, लगभग कितने 50 लाख लोग बढ़ जाते हैं कुछ सौ साल के बाद। जब लोग बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खाना भी तो चाहिए। मैं मान लेता हूं कि कोई एक परिवार में कितने 10 लोग हैं, है कि नहीं, 10 लोग थे तो भैया 10 लोग थे, उनका कमाई सेम था, कुछ साल के बाद आने वाला 10 साल के बाद उस परिवार में कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए, लेकिन जितनी कमाई पहले थी उतनी कमाई अब भी है, तो अब परेशानी तो होगी ही ना। अगर हाँ पॉपुलेशन के साथ साथ अगर इसके इनकम भी सबके बढ़ जाती है तो फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ा लेकिन इनकम किसी का नहीं बढ़ा, एक कारण। दूसरा इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खाने पीने की क्या हो जाएंगी, डिमांड्स बढ़ने लगी, एक वजह। तीसरा क्या था, जो प्रोडक्शन कुड नॉट कीप द पेस ऑफ द डिमांड, जितनी डिमांड्स थी उतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसी वजह से जितने डिमांड्स थे उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे थे, यही वजह थे जितने भी फूड ग्रेन्स खाने पीने की चीजों की कीमत में क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गई, इंक्रीज कर गई। चौथा कारण क्या था उसका, ज्यादातर वर्कर्स जो ने कहा लेबर्स के फॉर्म में वो काम करते थे, जैसे कि वो दुकानों पे काम करते थे, और उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनके मंथली में कोई भी मंथली तो होते नहीं, तो वहाँ डेली वेजेस पे काम होता था, उनकी जो उसकी दिहाड़ी थी उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता था। अरे भैया जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ उसके पैसे भी तो बढ़ाने चाहिए, जब उसके पैसे नहीं बढ़े तो जाहिर सी बात क्या होगा, इकोनॉमिक काजेस तो होंगे ही भैया,
है कि नहीं। चौथा पांचवा कारण, यहां ऐसे सिचुएशन हो गए, इतना ज्यादा बेकार सिचुएशन हो गए, ड्राफ्ट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और क्या हो गया जिसमें, खासकर फ्रांस का टाइम में, जब 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो अकाल के ओले जब गिरते थे, उसमें बर्फें जो गिरती थी ना, बहुत ज्यादा आम बात थी। जैसे यहाँ पे क्या सिचुएशन और सबसे ज्यादा बेहाल वहां की मतलब हो गए, जब क्या हो गया भूख मतलब अकाल पड़ गए, हेल्स होने लगे, हार्वेस्ट में बहुत ज्यादा कमी आ गई, मतलब खेती बाड़ी का होने का बहुत ज्यादा कमी आ गई, तो और भी ज्यादा हालत खराब हो गई। छठा में क्या हो गया कि इसके सिर्फ फूड ग्रेन्स बहुत कम हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, और सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हो गए, शुरू हो गए, मतलब अब भुखमरी भैया शुरू हो चुकी है, अकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का मतलब क्या होता है, 1789 से पहले का जो दौर था, जो वहां के जो राजाएं लोग था, उसी को क्या बोलते थे, ओल्ड रिजिम। आपसे पूछा जा सकता है ओल्ड रिजिम क्या होता है भैया, 1789 से बिफोर, इससे पहले वाले का जो दौर था, जो जो टाइम था, उन्हीं को हम बोलते ओल्ड रिजिम। नेक्स्ट, अब तीसरा कारण बताता हूं मैं, वो तीसरा कारण है ना आपका पॉलिटिकल। अब राजनीतिक तो चलेंगे यहां पर, है कि नहीं, राजनीतिक तो चलना मुनासिब भी है और चलता भी रहता है, राजनीतिक तो कभी जिंदगी का एक हमारे जिंदगी का, हमारे समाज का बहुत बड़ा अहम पार्ट है। पहला क्या होगा, अब राजनीतिक जब भी आओगे तो अब किसकी बात आएगी, अब राजाओं की बात आ जाएगी, उसके वहां के लोगों की बात आ जाएगी। लुईस 16 जब पावर में आया 1774 में, मैं पहले बता चुका हूं, तो क्या होगा, ट्रेजरी जो था वो क्या था, बिल्कुल आपका खाली था, खजाना, फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था। एक, जैसे ही लंबा टाइम तक क्या हो गया, वार चला, युद्ध चला बहुत लंबा टाइम तक, कि जो जो भी फाइनेंशियल फ्रांस था, रिसोर्सेज जहां से पैसे आने का क्या था, उम्मीदें थी, रिसोर्सेज, वो भी क्या हो गया, ड्रेन खाली होते गए धीरे धीरे। लुईस 16 के टाइम में जैसे ही मतलब अमेरिकन के, मैंने पता देखा अमेरिका को जो 13 कॉलोनी का आजाद कराने में, जो उसका सबका, किसका, ब्रिटिश, इसका फ्रांस का भी और अमेरिका का एक ही दुश्मन था, कॉमन दुश्मन, मतलब दुश्मन का दोस्त क्या होता, भाई भाई होता है ना, सेम कहानी हो गया, क्योंकि ब्रिटेन का जो ब्रिटिश अंग्रेजों का दुश्मन कौन था, फ्रांस भी था, अंग्रेजों का दुश्मन कौन था, अमेरिका का था, इसलिए फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका को मदद किया, किसके, ब्रिटेन से आजाद दिला दी गए। और इसमें क्या हो गया, अब बिलियन लिवर्स का मतलब 1 करोड़ लीवर जो लिवरेज थी वहां के, तो पहले से कर्जा में था। और क्या हो, जैसे इसने 13 अमेरिकन कॉलोनी आजाद की जो लड़ाई लड़ी, तो 1 करोड़ इसमें और कर्जा पड़ गया, टोटल कितने हो गए, 2 करोड़ लीवर्स का, मतलब 2 करोड़ रुपया, मतलब इंडियन का 2 करोड़ रुपया क्या हो गया, इसमें कर्जा चढ़ गया, जो इंसान के ऊपर इतना कर्जा तो चढ़ा हुआ, किसी से पैसा लेगा ना, तो इसमें क्या हो गया, जिसे पैसा लिया था वो 10% के हिसाब से ब्याज मांग रहा था, किसे, फ्रांस का सरकार से, मतलब कि राजा से, लुई 16 से। An extravagant court of the immense palace Versailles also cost, मतलब कि वर्सेलिस जो कोर्ट थे वहां के, जो मतलब महल थी, इन सबको कोर्ट, इन सबको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रहा था। और इसने क्या किया, एक रेगुलर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जब कोई भी एक आप ही का घर है, अगर आपका घर में आपको जो पेरेंट्स वगैरह हैं, ज्वाइंट फैमिली में अगर आप हैं, तो अगर बिना किसी के अगर पैसे वगैरह नहीं आए, इनकम ना हो, तो जानते हैं कि क्या होगा, जो आपका घर का डेली के एक्सपेंसेस है उसमें दिक्कत आ जाएगी, घर का खर्च बहुत ज्यादा होता है, रोज का ही खर्चा होता है, आप कमाओ या ना कमाओ, है कि नहीं, खर्चे तो खाना पीना तो रोज ही होगा, यही बात थी। और साथ में आर्मी को मेंटेन करने में, कोर्ट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के ऑफिस को, यूनिवर्सिटीज को, इन सबको चलाने के लिए क्या किया गया, स्टेट वॉज फोर्स इनक्रीज टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको चलाने के लिए स्टेट फ्रांस ने क्या किया, यहाँ पर टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए एक सवाल है अपने आप में, मैंने तो ये तो पहले पूछा ही नहीं, ये यूरोप की कहानी है, सारी कहाँ की कहानी है, यूरोप की कहानी है, यूरोप क्या है, अब बताओ, क्या एक देश का नाम है, क्या ये कॉन्टिनेंट है, या फिर है क्या ये। तो यूरोप की जब मैं पहली बार जब मैं पढ़ा रहा था, नहीं पिछले साल ही जब मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे से मैंने पूछा बताओ ये कहानी बिल्कुल यूरोप की है, तो यूरोप क्या है, किसी गाँव का नाम है, शहर का नाम है, या किसी देश का नाम है, या फिर किसी कॉन्टिनेंट का नाम था, वो कई सारे बच्चों ने बोल दिया सर ये है ना यूरोप है ना एक देश का नाम है, क्यों लोग बोलते हैं हम लोग यूरोप घूमने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं, वैसे लोग थोड़ी बोलते हैं कि हम लोग एशिया घूमने के लिए जा रहे हैं, बोले ना, नहीं बोलते ना हम लोग। सो यहाँ क्या हो गया, यूरोप ने कॉन्टिनेंट का नाम है, इसमें बहुत सारे क्या देश है मिलजुल कर, इन्हीं देश पर क्या है एक देश का नाम है, जैसे हम फ्रांस, यूरोप के अंदर की हम बात कर रहे हैं,
आदिम के एक कॉन्टिनेंट है। फ्रांस एक देश है जो कि यूरोप के अंदर में आता है, जैसे कि इंडिया के अंदर में कौन आता है, जैसे कि दिल्ली एक क्या है, स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार भी क्या एक स्टेट है, उसी हिसाब से यूरोप के अंदर में फ्रांस भी क्या कंट्री है। आगे चलते हैं, अब देखो टू बी द स्ट्रगल टू सर्वाइव, याद रखिएगा यहाँ पे टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब लोगों ने क्या किया भैया जी, इकोनॉमिक क्राइसिस तो हो गए, राजनीतिक भी लोगों ने खेल लिया, अब तो हम लोग कैसे यहाँ पे सर्वाइव करें, क्योंकि सरकार तो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। आप ही के घर में अगर हो रहा है, क्या सरकार आपके यहाँ खाना लेकर के पहुंचा रहा है टाइम, क्या वही खाना बना खिला रहा है? नहीं, आप खुद मेहनत करते हो। हाँ, हालांकि उसको प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, लेकिन आपको खाना, आपकी सैलरी है कि नहीं, उनसे आप पे डिपेंड करता है, जितना आप कमाते हो उस हिसाब से आपके खर्च है खाना। तो क्या हो गया, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा 23 मिलियन, मतलब जो मैंने बताया 1728 में, 1789 में क्या हो गया भैया 2.8 मतलब पॉपुलेशन हो गए, और रैपिड फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो प्रोडक्शंस थे वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे जितने डिमांड्स थी, और ब्रेड खास करके लोग वहाँ पे खाना पसंद करते थे, तो ब्रेड की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ पर लो वेजेस मतलब कम दिहाड़ी की वजह से लोगों ने क्या किया कि मतलब जो लो वेजेस जो पेड किया जाते थे, ये देखो ये करते थे वाइंडेड, मतलब यहाँ पर हो जाता था कि देख अभी के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो महंगाई वगैरह जो बढ़ता है, सरकार की क्या होती एक मतलब उसकी एक लिमिट होती कि नहीं इतने ही मतलब ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, लोगों की उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। यहाँ क्या होता था, टैक्स जो है ना वो फ्रांस के राजा के द्वारा लगाया जाता था, लेकिन जो पैसे जो मिलते थे ना वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता था, जहाँ पर लोग काम करते थे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री का मालिक ही उसका क्या सैलरी डिसाइड करेगा करता, तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे देखता है ना कि भाई फलाना इतना दे रहा है, तो महंगाई के टाइम में तो उसे क्या करते हैं लोग बढ़ाते हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई फ्रांस में, लेकिन उसका तो इंक्रीज में तो वेजेस में किया ही नहीं भैया, वैसे वैसे रह गया। और बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोल से जब बाहर आ गए, जब ड्राफ्ट भूखमरी आ गई, और जो वहाँ पे जो खेती वगैरह बहुत ज़्यादा कम होने लगी, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए एक परेशानी होने लगी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कैसे, चलिए एक तो बात हो गई, सी में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गरो मिडिल क्लास के लोग कैसे गरो के, और एंड ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है राजा के बेटा, राजा ही बनेगा ये प्रिविलेज है, लेकिन उस प्रिविलेज को खत्म करने के लिए लोगों ने यह बोला राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये प्रिविलेजेस का मतलब जो वंशान मतलब खानदानी जो लोगों के अंदर में जो पावर्स का और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था फ्रांस में उसको खत्म करना है, कोई भी अब क्या होगा जज का बेटा जज अब नहीं बनेगा, इन सब चीजों को खत्म करने, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, है ना, वही बनेगा राजा जो हकदार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका क्या है? किसान लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट क्या किया शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी एक विद्रोह शुरू कर दिया टैक्स के खिलाफ, और फूड की जो स्कर्सिटी थी, जो जो खाने पीने की जो कमी थी, उनके खिलाफ लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया किसानों ने। और जो 18th सेंचुरी इस बात का गवाह था कि वहाँ पे सोशल ग्रुप क्या हो गया इमर्ज आने लगे। एक आपने सुपर 30 आपने मूवी देखी होगी, उसमें यह बात कहा गया था कि आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है, इसका मतलब लोगों को उतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए, है कि नहीं, लोगों से उतना फायदा मत उठाओ कि उसको इस बात का समझ जाए कि वो आपका फायदा उठा रहा है। तो इस बात से मतलब ये हो गया कि लोगों को इतने परेशानी मतलब डाल दिया कि लोगों ने खुद बखुद अपना आत्मरक्षा के लिए, अपने समाज के लिए लोगों ने खुद बखुद क्या हो गया एक सोशल ग्रुप मतलब उभर कर सामने आ जाता है अब राजाओं के खिलाफ। वहां एक टर्म दे देता है जिसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेट, है ना, यहाँ पर क्या होगा मिडिल क्लास, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मिडिल क्लास है, तो थर्ड स्टेट क्या उभर कर सामने आता था, थर्ड स्टेट बोले तो मिडिल क्लास। नेक्स्ट थर्ड में है यहाँ पे जो अर्न देयर वेल्थ थ्रू, अब क्या है ओवर जो थर्ड स्टेट में जो लोग पैसे कमाते थे वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते थे, ऐसा तो नहीं था कि भैया सिर्फ गरीब ही लोग थे, नहीं अमीर लोग भी थे, डॉक्टर भी थे, तो इसमें क्या था बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे थर्ड स्टेट में, तो हर तरह के लोग थे, गरीब से गरीब भी, अमीर से अमीर भी, लेकिन उतना भी अमीर नहीं थे, ओवरसीज थर्ड से बिजनेस पैसा कमाते थे, वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड प्रोफेशंस, अपने प्रोफेशंस के चीजें बनाते थे, और खास करके जो
कॉटन के कपड़े होते हैं, रेशम के जो कपड़े होते हैं, उन लोग क्या करते थे, उन लोग यहाँ पर बेचते थे और पैसे कमाते थे थर्ड स्टेट में, बड़े बड़े लोग। और यहाँ इस क्लास के जो लोग थे, थर्ड क्लास के लोग पढ़े लिखे भी थे, और पढ़े लिखे इस बात से देखे भैया उन लोग यकीन था कि समाज में कोई भी जन्म से मतलब प्रिविलेज नहीं रहेगा, उसको हटाना है। और यहाँ पर वो इस बात से इंस्पायर थे कि आइडियाज आई कि नहीं भैया अब हम लोग क्या करेंगे, फिलोसोफर्स थे जो पढ़े लिखे जो सिद्धांत वाले जो लोग थे, उन चीज़ों को समझते थे कि राजा इन लोगों पर किस हिसाब से क्या जुल्म कर रहा है, इस जुल्म के खिलाफ लोगों को कैसे खड़ा करना है, लोगों को कैसे समझाना है कि राजा का मुकाबला कर सके, राजा का जो सैनिक थे उनसे मुकाबला कर सके। एंड बिकम मैटर टॉक इन दिस क्लासेस, इसमें बातें फैलने लगी कि नहीं भैया जहाँ पे सलून में थे अब लोग क्या हो रहे हैं कि नहीं अब भैया प्रिविलेज सिस्टम को खत्म करना है, राजाओं की पावर को कम करना है, कॉफी शॉप में कॉफी हाउसेस में बात होने लगी। और इतनी बात फैल गई कि उनके किताब और न्यूज़पेपर में भी ये सब बातें आने लगी कि नहीं अब फ्रांस में जो एक बदलाव आने वाला है, एक ऐसा रिवोल्यूशन आने वाला है, अब मिडिल क्लास लोग जो है वो बिल्कुल उभर कर सामने आ रहे हैं राजाओं के बैंड बजाने के लिए, है ना। और उन लोगों का भी बैंड बजेगा जो राजाओं के अंडर में तो था ही, जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे जो अपनी मनमर्जी चलाते थे, जो चर्च वाले थे उसको बैंड बजाने के लिए आने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था इस बात का गारंटी था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिविजुअल राइट्स मतलब जितने भी लोग थे सब राजा हो या फिर नौकर हो या फिर काम करने वाला हो या फिर भिखारी है, सबके लिए इंडिविजुअल राइट्स होना मांगता है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे किसके लिए पे, पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। फ्रांस में जितने भी लोग पॉलिटिकल्स राज तंत्रिक हिसाब से जो सोचते थे कि नहीं भैया कैसे हम रिपब्लिक बनाएं, कैसे हम फ्रांस को आजाद करें, जो भी पॉलिटिकल लोग्स थे जो लीडर्स थे वो इनका सोच भी और भी आगे बढ़ गया। और जो इसमें भी देखो मिडिल क्लास में करो इसलिए भी हुआ कि मिडिल क्लास में जो सबसे जो किस्म के कम पढ़े लिखे लोग थे ना उसको भी जुल्म कोई कोई क्या करता, थर्ड स्टेट वाले के जो बड़े बड़े लोग थे ना उनको सारे फायदा हो जाता था। जो थर्ड स्टेट में जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग होते थे भिखारी हो गए, उसके बाद नौकर लोग हो गए, लेबर्स हो गए, इनको उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था इन लोगों से भी, इसीलिए पीजेंट्स यहाँ पे बोला गया है ना, पीजेंट्स है ना, उन लोग क्या पार्टिसिपेट किए, फिर बाद में लोग सब लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेट में जितने लोग हैं। अब आ जाते हैं फिलोसोफर्स का क्या काम था, मतलब जितने भी फिलोसोफर्स था भैया है ना, फिलोसोफर वो लोग होते हैं जिसके पास आइडिया बनाते हैं, इनोवेशन ऑफ द आइडिया, जो आइडिया बनाने वाले लोग थे। और उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या रही, उनके तीन कंट्रीब्यूशन सबसे मेन रहता। पहला लोग था जिसका नाम था जॉन लॉक, इसने एक किताब लिखा जिसका नाम लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की, दो ट्रीटाइजेस हैं। इसमें उसने इस बात पे क्रिटिसाइज किया जो वहां के सरकार डॉक्ट्रिन द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, मोनार्क की जो पावर है भैया उसको क्या करो खत्म कर दो, बात खत्म, जो राजा हैं जो आप लोगों पे जो उतना जुल्म है उसके पावर को खत्म कर दो। दूसरा जेन जैक्स रोसियो, इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें ऐसा इसमें पर्पस किया जो गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, कहते हैं भैया जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लोग हैं मतलब आम लोग और जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो नेता लोग हो उनके बीच का संवाद हो सके, कॉन्टैक्ट हो सके, उन दोनों से बात हो सके, तभी समाज की जो असली परेशानी है वो मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन तक पहुंच सके। इनका ना याद रखिएगा कि जो जीन है जीन जैक रोसियो ने कौन सी किताब लिखी उसका मतलब क्या होता है। दूसरा मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, मतलब एक कानून की आत्मा। इसमें उसने ये कहा कि भैया जो पावर्स विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब क्या हो गया सरकार जो बनेगी यहाँ पर उसके लेजिस्लेटिव जो आज के टाइम में है ना उस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब ये हो जो कानून बनाने वाला कानून को अप्लाई करने वाला और कानून को सही और गलत बताने वाले जिसे हम कोर्ट कहते हैं, इसका भी स्थापना होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज अब मैं यहाँ पर मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, जो अगले का जो वीडियोस जो आएंगी उसमें मैं इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। सो गाइज प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस हिसाब से मैंने बताया कि आपका जो एग्जाम्स होंगे आपका एक भी नंबर इसमें से कम नहीं आना चाहिए, मैंने उस हिसाब से मैंने सारे एस्पेक्ट्स को मैंने आपके सामने मैंने रखा है। सो गाइज यहाँ पर मैं एक दूसरे को बाय बाय कहते हैं, उसके बाद जो हम लोग जो लाएंगे इसका फिर अगला वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू ऑल, जय हिंद।